हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक वीवो का सेट आया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, तो ये फ्रेंड ये जो वीवो का मोबाइल है वो वीवो का Y53 मोबाइल है फ्रेंड। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मेरे पास जो ये आया हुआ है, इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है, इसके अंदर चार्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी मतलब और किसी टेक्नीशियन ने इसको देखा हुआ है, जैसा कि मैंने इसको चेक किया फ्रेंड, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो है वो प्लस वाली पॉइंट जो हमारी चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे देख सकते हो, तो किसी ने काम किया हुआ। और यहाँ पे इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो भी यहाँ से निकला हुआ फ्रेंड, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड वो भी विदाउट आईसी, ठीक है फ्रेंड, बिना आईसी के इसको हम किस तरीके से रिपेयर करेंगे फ्रेंड, वो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड। तो वीडियो पे अगर आप नए हो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फ्रेंड, क्योंकि हम हमेशा इसी तरीके की आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि ये जो मोबाइल है वो चालू फ़ोन है, ठीक है। इसके अंदर प्रॉब्लम मेरे पास ये चार्जिंग के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड इसकी जो ये जो यहाँ पे हमारा स्पीकर है इसको निकालते हैं, और इसकी जो पॉजिटिव लाइन होती है बैटरी की उसको हम पहले ट्रेसिंग करें कि ये जा कहाँ रही है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं फटाफट। तो सिंपली फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर भी किसी ने अजीब तरीके से काम किया होगा, जैसा कि देख सकते हो आप इसकी जो पत्ता होता है वो कितनी डैमेज हो चुका है यहाँ पे, और किसी ने यहाँ पर भी पूरी तरीके से स्क्रैच वगैरह किया होगा। देख सकते हो अभी आप सही तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं किसी ने पूरी तरीके से इस पर स्क्रैच किया हुआ है। और तो अभी हम फ्रेंड क्या करते हैं, इसकी जो पहले जो प्लस वाली पॉइंट होती है हमारी चार्जिंग की उसको हम पहले यहाँ से यहाँ ट्रेसिंग करते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है वो कौन से पॉइंट पे, ठीक है। तो चलो एक बार यहाँ पे इसको हम रख देते हैं इस तरीके से, और अपना मल्टीमीटर को यहाँ पे हम बीप के बजाय पे यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। ऑफ सेट करने के बाद सिंपली हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर दो पॉइंट हैं हमारे जो कि किसी ने स्क्रैच किया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बार हम टच कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा इधर, तो इसको हम एक बार जो है इस तरीके से कर लेते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ये जो साइड में का पॉइंट है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ सही तरीके से। तो फ्रेंड ये जो हमारी पॉइंट है वो हमारी नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव लाइन है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम मीटर का प्रोडक्ट को यहाँ पे सटाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम ट्रेसिंग करेंगे यहाँ पे कौन सी हमारी लाइन जो आ रही है यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव की लाइन कहाँ पे आ रही है। तो फ्रेंड एक बार इसको हम एक बार यहाँ से ला के जो है वो चेक कर लेते हैं, आपको शायद मीटर सही से दिख नहीं रहा हो, ठीक है। चलो तो अभी आपको दिख रहा होगा शायद। तो फ्रेंड यहाँ पे हम चेक करते हैं, तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये पॉइंट है हमारा, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हो कुछ मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड मल्टीमीटर में कुछ रीडिंग शो कर रहा है जो कि हमारी चार्जिंग की कनेक्शन की है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारी प्लस वाली पॉइंट है फ्रेंड, ये जो प्लस वाली पॉइंट है हमारी फ्रेंड, इसकी जो डायरेक्ट कनेक्शन आती है वो इस पॉइंट पर आता है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारा किसी ने इस पर देख सकते हो सोल्डिंग आयरन भी किया हुआ है, मतलब सोल्डिंग किया हुआ है किसी ने इस पर देख सकते हो। तो ये हमारी जो है वो पॉजिटिव लाइन है, ठीक है, हमारी ये चार्जिंग की जो है हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, स्पिन के यहाँ पर की ये पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंड। तो अगर आपको यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं लाइन नहीं मिलता तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या, यहाँ से एक जंपर लेके सिंपली यहाँ पे आपको जंपर जो है वो कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो अभी फ्रेंड जैसा कि मैंने चेक किया तो इसके अंदर कोई भी मतलब लाइन नहीं जा रही है वहाँ तक, एक बार मैं आपको सही तरीके से दिखा देता हूँ, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं जंपर देख सकते हो इस तरीके से, मगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी जो है लाइन यहाँ तक नहीं जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे कुछ रीडिंग शो कर रही है। इसका मतलब फ्रेंड यहाँ से एक जंपर लेके हमको डायरेक्टली पहले इसके जंपर भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम जंपर कर देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो चार्जिंग आई सी उसको सिंपली किस तरीके से हमको बाईपास करना है, क्योंकि फ्रेंड इसकी जो जड़ है वहाँ से पहले हमको काम करना पड़ेगा। देख सकते हो इसकी चार्जिंग आई सी किसी ने निकाला हुआ है और किसी ने जो फ्रेंड यहाँ पे काम भी किया हुआ है, देख सकते हो आप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो पहले एक बार जंपर वहां से हम फटाफट कर लेते हैं एक बार।
तो फ्रेंड यहाँ पे हम जम्पर पहले कर देते हैं। कुछ इस तरीके से फ्रेंड, और फ्रेंड हमको यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट पे आना है इसके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रेच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो है इसमें जंपर कर दिया है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो है वो जंपर कर दिया इधर, और यहाँ से इसकी प्लस वाले पॉइंट पे मैंने जंपर कर दिया है। ठीक है, तो एक बार हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो जंपर मैंने लगाया वो सही तरीके से लगा या नहीं लगा है। तो उसको एक बार हम कन्फर्म कर लेते हैं यहाँ से। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो बीप आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो नीचे वाली पॉइंट है सिंपली इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको पूरी तरीके से जो फ्रेंड वो पैक कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड इसको कुछ हम मतलब फिट कर देते हैं। चलो फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसको जो है वो पैक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं इसके अंदर फ्रेंड चार्जिंग लगाते हैं। ठीक है, इसकी बैटरी को हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर आपको भी दिख जाए कम से कम। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्जिंग लगा दिया और देख सकते हो डिस्प्ले पे फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, जैसा कि आप देख सकते हो इधर। ठीक है, तो इसकी हम चार्जिंग को यहाँ पे रहने देते हैं और इसकी सिंपली खाली बैटरी को हम बाहर यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 20 जो हमारा मल्टीमीटर का जो 20 वोल्ट का रेंज है इसको यहाँ पे रखते हैं। और रखने के बाद फ्रेंड करते क्या, यहाँ पर जो मैंने डायरेक्ट जंपर दिया है यहाँ पर हम डायरेक्टली रीडिंग को लेते हैं कि यहाँ पर ही वोल्टेज हमारी चार्जिंग जैक से यहाँ पर आ रही है नहीं आ रही है सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हो कि इसकी जो सप्लाई है वो चार्जिंग की वो डायरेक्ट यहाँ तक आ रही है। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं इसके बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई को चेक करते हैं एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो बैटरी कनेक्टर पे हम जैसा कि मैंने चेक किया तो यहाँ पे देख सकते हो 0.52 करके यहाँ पे जो कुछ रीडिंग आ रहा है, 5251 करके कुछ रीडिंग आ रहा है, जो आपको मालूम है कि फ्रेंड यहाँ पर जो इतनी रीडिंग नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, इसी की वजह से हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल चार्ज नहीं हो पा रहा फ्रेंड। ठीक है, तो फ्रेंड अभी हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से सिंपली आपके पास वीवो का अगर कोई भी फ़ोन आता है उसके अंदर अगर चार्जिंग की इशू आती है, चार्जिंग आईसी डैमेज हो जाता है, तो उसको सिंपली किस तरीके से जो आप बाईपास कर सकते हैं, जंपर कर सकते हैं फ्रेंड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली मैंने इसको यहाँ पर हम पहले सही तरीके से एक बार जो है वो साफ़ कर देते हैं। ठीक है, इधर से तो फ्रेंड यहाँ पर जो है मैंने इसको जो है वो साफ़ कर दिया, देख सकते हो फ्रेंड। और इसकी जो प्रिंट है एक दो प्रिंट भी यहाँ से मिस्टेक है फ्रेंड, देख सकते हो अभी आप यहाँ से जो इसकी जो प्रिंट है किसी ने इस पर काम किया हुआ तो इसकी जो वो प्रिंट भी मिस्टेक है फ्रेंड। तो अभी फ्रेंड किस तरीके से इसके अंदर जंपर करना है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, और आपको डिस्प्ले में साइड में दिख भी रहा हो कि जंपर मैंने किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो चलो पहले इसके अंदर हम जो फ्रेंड वो जंपर कर देते हैं, उसके बाद मैं आपको करीब से दिखा दूंगा। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे जो है मैंने आईसी में जंपर कर दिया, आईसी के बॉल पे मतलब विदाउट आईसी पे। ठीक है, और किस तरीके से मैंने किया फ्रेंड वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया डिस्प्ले पे। ठीक है, और जैसा कि देख सकते हो ये जो पॉइंट है, ये जो हमारी, अभी मैं आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये जो हमारी पॉइंट है यहाँ से जो है इसमें फ्रेंड यहाँ पे टोटल 12 पॉइंट होते हैं। ठीक है, इस साइड से हमको 6 पॉइंट यहाँ से छोड़ देना है, उसके बाद इस यहाँ से सिंपली इस तरीके से लेना, इस पॉइंट पे हमको टच कर देना है, एल बना देना इस साइड से। ठीक है, तो यहाँ से लेके इस पे लगा देना। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी हम क्या करते हैं एक बार जो है इसको चार्ज में लगाते हैं और बैटरी कनेक्टर पर कितनी रीडिंग आ रही है उसको भी एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से हम चार्जिंग को लगा देते हैं इसके अंदर। अभी एक बार इसकी रीडिंग को हम ले लेते हैं फ्रेंड, कितनी रीडिंग आ रही है हमारी बैटरी कनेक्टर पे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि 4.30 वोल्टेज या 4.3 वोल्टेज यहाँ पे आ चुका है, 4.2 वोल्टेज, 4. यहाँ पर जो है 4.2 वोल्टेज, 4.3 वोल्टेज जो यहाँ पे आ चुका है फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी जो रीडिंग है वो अप डाउन हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे
इसकी रीडिंग वो फ्रेंड अप डाउन हो रही है फ्रेंड। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसकी जो फ्रेंड इसको डाटा केबल को निकाल देते हैं और इसकी बैटरी को यहाँ पे सिंपली लगा देते हैं, ठीक है। और लगाने के बाद सिंपली एक बार लगा के देखते हैं फ्रेंड कि हमारा फ़ोन चार्ज होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चार्ज में लगा दिया, तो सिंपली फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ़ोन है वो बिल्कुल चार्ज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रीडिंग वो बिल्कुल कम आ रहा था स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने आपको चेक कराया, तो 0.51 0.52 इस तरीके कुछ रीडिंग यहाँ पे आ रही थी जो कि नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। अभी आपने देखा फ्रेंड कि यहाँ पे 4.2 और 4.3 वोल्टेज जो है यहाँ पे आ गया था फ्रेंड, और किस तरीके से मैंने फ्रेंड जंपर किया वो मैंने आपको डिस्प्ले में साइड में दिखा दिया है। उम्मीद है कि फ्रेंड ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, ठीक है। और हम मिलते हैं कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।